तो दगड़ियों नमस्कार। रात 7 बज जाओ तो आज कुछ कोहराला छू तो एल में कुछ काम है, सिलसिला वीर जरा भैर जान लग रही। तो अब यो वी बात आपू लोगों को आगे जो दृश्य सिनु दिखाई जा और एल जो देखो कोहराल चारों ओर ढकी रहो पहाड़। तो दोस्तों आप लोग देख सकता कि और जो एल रहता है टेंशन में कोहरा भी कुछ कुछ पहाड़ों में धुंधला लग रहा और आसमान में बादल लग रही। तो दोस्तों सोमेश्वर सोमनाथ जी के दर्शन कीजिए। सोमेश्वर सोमनाथ तो आप देख सकते हैं सोमेश्वर सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में। जय भोले जय भोले जय जय भोले जय भोले जय भोले। सोमेश्वर शिव मंदिर जय भोले भोले नाथ तेरी माया अपरंपार है। तो दोस्तों सोमेश्वर शिवालय शिव मंदिर को भी देखिए। ये देखिए ये शिव भक्त शिव जी के भक्त ओम नमः संभवाय यत भयो भवाय यत नमः शंकराय यत वर्चराय यत नमः शिवाय यत शिवनराय यत श्री राम सदाशिवाय नमः। जय सत्यं महेशंकर जत गिरि भक्तां दंडावतंसाय रत्नाय कल्पोदरायं वरदुहस्तं समर्पितातः इति मम। देख सकते हैं आज में जो जरियो सोमेश्वर शिवालय मंदिर में जरी आप लोग देखा लाग रहे साथ जरा सा शिव जी मंदिर रहे उन्हों। तो शिव जी मंदिर प्रांगण से मंदिर के जरी एल एक भक्त पहुंच रही है और एक जरा मैंने यहाँ दर्शन जी पाल जी तो दगड़ियों देखने लग रहा था। यह छू सोमेश्वर शिवालय ये गणेश जी का मंदिर सोमेश्वर शिवालय के मुख्य द्वार पर गणेश जी का मंदिर। शंकर तेरी माया अपरंपार है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे बच्चे थोड़ा क्रिकेट का आनंद लेते हुए बासु को आप देख सकते हैं विवेक जोशी को ये लग रहा है कि इंडिया टीम का कुछ नया प्लेयर ही लग रहा है हमें। और उधर देखेंगे हिमांशु पांडे जी खेल रहे हैं। ओ क्या स्टॉक किया उन्होंने। ओ मेरे पाँव में मार दी उन्होंने। इतने अच्छे बच्चे हैं प्यारे प्यारे सुंदर। तो आप देख सकते हैं जो अभी हिमांशु ने अभी शॉट मारी वो इधर ताला हमारे जो तालाब है हमारे घर के सामने उसमें बॉल डाल दी है। और अब ये अब आप देख सकते हैं कि अब ये बॉल निकालने के लिए पूरी कोशिश में लगे कूदना मत। तो ये बॉल निकाल रहे हैं पाइप से। ये देखिए ये हिमांशु ने बॉल उठाई। तो हिमांशु बॉल कैसी हो रही है एकदम गीली गीली बॉल हो रही कह रहे हैं। और ये देखिए ये अब हिमांशु और बासु कूदने वाले हैं। ये पहले बासु कूदा अब हिमांशु कूदा और ये दौड़ते हुए फिर अपने ग्राउंड की ओर चल दिए हैं। तो ये हमारी जो गाय है गौ माता ये अब बाधी जाएंगी। ये देखिए बाधी नहीं जाएगी ये खोली जा रही है। ये सीता है और ये आ गई हमारी जो आपको बच्चिया दिखाई थी हमने रुक्मणी और ये हमारी भाभी आ रहे हैं।
गाय खाने के लिए। और ये बासु फिर आ गया, बासु बॉल मिली, ये देखिए बॉल ले जा रहे। क्रिकेट भी चल रहा है इधर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मैच लग रहा है, क्योंकि खिलाड़ी हैं इसमें दो खिलाड़ी हैं दो। तो ये देखिए गेंदबाजी की गई, हाँ हाँ आउट तो है, लेकिन मैं देख नहीं पाया, मैं देख नहीं पाया, चलो लेग स्टंप तो आउट हो सकता है। इस समय मैं एकदम जो पैनी निगाह है हिमांशु पर है, लेकिन बहुत अच्छा सम्मान दिया उन्होंने गेंद को। फिर और ये देखिए बहुत सुंदर फील्डिंग, ये मैं भी डर गया इसको देख के। तो ये देखिए गेंदबाजी, और ये देखो बहुत अच्छा सम्मान लग रहा है, इनके जो रन बनाने की गति है वो आउट आउट आउट। बहुत सुंदर विकेट लिया गया, हाँ आउट 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 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये छा फानी के छा पहाड़ी में छा कुनी हूँ छा और नौनी यो कदू सुंदर रहो महाराज कदू भल लगनो मे को एलियो आप लोग देखला और खुश है जाला वे दी गिलास छापी नून मिले वे आह परम आनंद उन्हें भोय दगड़ियो परम आनंद उन्हें भोय भैंस पाओ गोर पाओ आजकल कहाँ यो उबाल चैन बड़ा इनको डेरी वाल कोई कुणो यहाँ का दूध कोई कुणो वहाँ का दूध पे घर घर में जदू देखा चा जदू छा पीसा देखा चा दूध पीसा छा यो नानतीन लखुश अमर बेटा घर का दूध कैसा होता है अच्छा। ये देखिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी बड़ी बेटी जो खुशी है वो भी आज मट्ठा फान रही है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो मट्ठा जो फान रहे हैं उसमें से जो मक्खन निकलेगा वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। अब एक नहीं दो, ये देखिए मट्ठा है क्या फानेंगे, अब कहीं मट्ठा के बाल्टी में ना घुस जाएंगे, लग ऐसा रहा मेरे को इनको देख के। अरे मट्ठे की बाल्टी मत घुसना, ये देखिए दोस्तों बच्चों ने तो मट्ठा क्या फान रहे हैं तो पूरे मट्ठे की बाल्टी हिला दी इन्होंने। अब क्या? तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने मट्ठा भी फानी है छांस, अब उसमें से मक्खन निकाला जा रहा है। तो आप ये मक्खन देखें, ये मक्खन निकाला जा रहा है, वही गाय जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ना सीता, उसी गाय का दूध है। थोड़ा हम उसके चरण जो बांधते हैं ना चरण पादुका, लेकिन उसके बाद भी हमें दूध दही घी मक्खन और सब कुछ मिल रहा भी हमें भी हमारे बच्चों को भी, और हम उसके पांव जरूर बांधते हैं। इसके लिए क्षमा प्रार्थी है गाय गौ माता से। लेकिन देखिए ये अब मक्खन निकला, आहा हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो अभी हमने मक्खन वो मट्ठा फाना था उसके बाद उसको पिघला दिया है, और ये देखिए 1 किलो के करीब लग रहा है मेरे को घी निकल चुका है, 1 किलो पूरा। ये देखो कितना सुंदर पीला घी घर घर का, हमारी गाय वो सीता जो गाय है हमारी, उसने दूध दिया, फिर दही जमाया, फिर मट्ठा फाना, फिर उसके बाद मक्खन निकाला, फिर उसके बाद हमने ये मक्खन को पिघलाया, उसके बाद घी बनाया, और अब इसे हमने बाल्टी में रख दिया है।